अम्बेडकर मनुवादी हिंदुत्व के विरोधी थे, वो जाति प्रथा के विरोधी थे, उन्हें कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं थी। फिर भी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी बाबा साहब को अपना आदर्श बता रही है। बीएसपी ने तो दलित वोट की राजनीति ही अम्बेडकर के नाम पर शुरू की और कांग्रेस भी कह रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक वारिस वही है। सभी पार्टियों का आरोप है कि उनके विरोधी अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि अम्बेडकर के सामने सारे दल एक साथ नतमस्तक क्यों है? बाबा साहब के बहाने क्या सबकी नजर दलित वोट बैंक पर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश की राजनीतिक पार्टियों ने इससे पहले इतनी शिद्दत से याद किया हो ये दिमाग पर जोर डालने से भी याद नहीं आता। 25 साल पहले जब बाबा साहेब की जन्म क्षती थी तब भी नहीं, लेकिन इस बार 125वीं जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर सभी पार्टियों के आदर्श बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मैरीटाइम समिट में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और फिर ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत उन्होंने इंदौर के महू से की, जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। अम्बेडकर जयंती पर दूसरा सबसे बड़ा जलसा बीएसपी का था। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी रैली की, जिसमें बाबा साहेब के बखान से ज्यादा उन्होंने उन नेताओं पर हमला बोला जो अम्बेडकर को अपना बता रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना श्री रोहित बेमुला से करना, तो ये सब उनकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी ना होने को ही दर्शाता है। श्री राहुल गांधी का ये बयान ऐसे ही माने जाएगा जैसे गांधी व नेहरू की तुलना राहुल गांधी से करना। मायावती की टिप्पणी कांग्रेस को चुभ गई। जवाब में कांग्रेस ने उन्हें नसीहत दी कि कम से कम आज तो राजनीति न करें। जयंती के दिन अच्छी बात करनी चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए, नमन करना चाहिए जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनके नाम पर आज की दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अम्बेडकर के सामने सभी दल एक साथ नतमस्तक क्यों हैं? कहीं इसकी वजह देश में मौजूदा हालात और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तो नहीं है? ये बात सबको पता है कि यूपी की राजनीति में बीएसपी का उदय अम्बेडकर के नाम पर दलितों को एकजुट करने से ही हुआ। दलित वोट बैंक के दम पर ही बीएसपी 3 बार यूपी की सत्ता में आई। यूपी के अलावा भी जितने राज्यों में चुनाव होने हैं वहां दलितों का वोट निर्णायक हो सकता है। ऐसे में सवाल भी बड़ा है कि कहीं बाबा साहेब के बहाने सभी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज की बड़ी बहस के सवाल क्या हैं? पहला तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर को सभी दलों के नेता अपना आदर्श बताने में क्यों जुट गए हैं? डॉक्टर अंबेडकर के बहाने कहीं सभी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर तो नहीं? क्या डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ दलितों का मसीहा बताना उनकी शख्सियत के साथ अन्याय नहीं है? जाति प्रथा के विरोधी अंबेडकर को आदर्श बताने वाले नेता क्या जाति की राजनीति बंद करेंगे? क्या डॉक्टर अंबेडकर का नाम दलितों का वोट दिलाने की गारंटी बन गया है? ये तमाम बड़े सवाल हैं और सवाल ये भी है कि आखिरकार उनकी विरासत का असली वारिस कौन है? हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अर्जुन मोरवड़िया साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे साथ राजेंद्र गौतम जी हैं जो कि एमएलए हैं आपके आम आदमी पार्टी के, प्रकाश आम्बेडकर साहब हैं जो कि ग्रैंडसन हैं बाबा साहब के, और चंद्रभान प्रसाद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और रेणु कीर जी जो कि एक दलित चिंतक है वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आखिरकार आपको क्या लगता है बाबा साहेब की असली विरासत का हकदार कौन है और क्यों तमाम राजनीतिक दल टूट पड़े हैं जिनकी विचारधारा के सख्त खिलाफ हुआ करते थे बाबा साहेब? आखिर उनको क्या लगता है, वोट दिखता है, वोट बैंक दिखता है, यही एक कारण? देखिए, बाबा साहेब के असली हकदार जो है वो आम पब्लिक हकदार है, उसके अलावा उनको कोई हक बता ही नहीं सकता है। रही जहाँ तक राजनीति की बात है,
उस राजनीति की बात की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आज जिस तरह से आरएसएस अपनी राजनीति कर रही है, उस राजनीति की व्यवस्था से बाबा साहब को दोबारा उजागर करने की बात तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरुआत की है। आरएसएस जो है वो धर्म की राजनीति करना चाहती है, भेदभाव की राजनीति करना चाहती है, अधिकार दबाने की राजनीति करना चाहती है और उसके साथ साथ वो मनुवाद की राजनीति यहाँ पर करना चाहती है कि जो संविधान के खिलाफ है और बाबा साहब ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन के खिलाफ है। यहाँ का दलित है, यहाँ का जो अस्पृश्य है, यहाँ का आदिवासी जो है उसके खिलाफ का ये आंदोलन है और इसी वजह से जो है कि इस केंद्र में केंद्र की सरकार जो आरएसएस की सरकार है वो ये लागू करना चाहती है। इसकी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इसको विरोध करने के लिए बाबा साहब की आइडियोलॉजी के मुताबिक वो चलना चाह रहे हैं और इसलिए इस 125वीं जयंती के अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि आरएसएस का जो डिक्टेटरशिप की ओर की जो डिक्टेटरशिप लाने की जो व्यवस्था है उसको हम बाबा साहब की डेमोक्रेसी से रोकना चाहते हैं और इस देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते और बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन है क्योंकि आरएसएस ने कभी भी इस देश के संविधान को माना नहीं, आरएसएस ने कभी भी इस देश के नेशनल फ्लैग को माना नहीं, आरएसएस ने इस देश के कभी भी नेशनल एम्बलम जो अशोका का चिन्ह है उसको माना नहीं है। वो अपनी खुद की चेन लेना चाहते हैं और इसलिए बीच बीच में उनकी जो बयानबाजी आती है कि यह तिरंगा के बजाय भगवा होना चाहिए, संविधान का जो है वो समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण जो है वो बंद करना चाहिए, ऐसी जो तमाम बातें आती है वो उनकी असली आइडियोलॉजी है। वो असली आइडियोलॉजी किसी के मुंह से लेके पब्लिक में फेंक देते हैं। टका जी, मैंने माना कि आप वैचारिक तौर पर आरएसएस के बिल्कुल विरोधी हैं, मैं मानता हूं आपकी राजनीति ही वैचारिक तौर पर आरएसएस के खिलाफ है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बाबा साहब आज होते तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती जिसको अपने विचारों के सबसे नजदीक मानते? क्या वो बीएसपी को मानते? कांग्रेस से उनके डिफरेंसेस थे, बीजेपी उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, आरएसएस एक छोटा सा संगठन था, कौन उनके आइडियोलॉजी के सबसे ज्यादा नजदीक होता? क्या बीएसपी जैसी पार्टी होती जो दलित के नाम पर बाबा साहब के नाम पर चल रही है? बाबा साहब, मैं इसका जवाब दूं जी। बाबा साहब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी ना मानती, हालांकि वो बीजेपी को अपने सबसे पहले विरोधी पार्टी मानती, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी दुश्मनी की बात नहीं कही, कभी भी किसी पर क्रोध दिखाने की बात नहीं की, किसी के बदले की भावनाएं नहीं की। कांशीराम जो बीएसपी के नेता थे और बाबा साहब का नाम लेके कहते थे, वो एक लकड़ी लेके बताते थे कि ये वर्टिकल सिस्टम है, इस वर्टिकल सिस्टम को हमको उल्टा सिस्टम करना है, मतलब दलितों को ऊपर लाना है और सवर्णों को नीचे ले जाके उनपे अत्याचार करना है। बाबा साहब की जो थियोरी थी कि भैया ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसको हॉरिजॉन्टल में लाना चाहिए और सब बराबर होना चाहिए, किसी ने भी पुराने इतिहास को लेके एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ना उसके खिलाफ के कोई आंदोलन करना चाहिए। हम एक समता की ओर, समता व्यवस्था की ओर जाना चाहिए, आदमी की प्रतिष्ठा रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसलिए वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानते। ठीक है, आपकी पॉइंट से एग्री करता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानते, लेकिन नरसिम्हा राव साहब, आपने सुना होगा बीजेपी उनकी सबसे बड़ी वैचारिक और राजनीतिक शत्रु होती। आज ऐसा क्या है कि बीजेपी को दलित याद आते हैं, अंबेडकर याद आते हैं, जबकि सबसे पहले ये तो एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी और जिस हिंदुत्व के सख्त तौर पे खिलाफ थे। मैं आपको उनके कोट बता सकता हूँ, उनके भाषण सुना सकता हूँ, उनके लिखी हुई राइटिंग बता सकता हूँ। नरसिम्हा राव जी, दीपक जी, मैं भी आपको कुछ पढ़कर सुना सकता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संघ के बारे में क्या कहा, मैं आपको एक दो शब्द पढ़कर सुनाऊंगा। कहां से सुनाना है ये भी बताइएगा। जब वो संघ के कार्यालय, संघ किसने लिखा ये भी बताइएगा। आपको बता रहा हूँ जी, और किस कहां से आप इसको बाबा साहेब कर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जी। किसी और ने
नहीं नहीं ये कहीं और से नहीं, ये 1934 में जब ये महाराष्ट्र में गए, ये उन्हें संघ का कैंप था, वो जब उसको देखे, मैं एक मिनट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, एक सेकेंड। उसका लेने में उन्होंने ये कहा कि आई एम सरप्राइज टू फाइंड स्वयं सेवक। एक मिनट, क्या ये बाबा साहब ने खुद ने लिखा है या बाबा साहब के नाम को किसी दूसरे राइटर ने बोला है? अगर ये बाबा साहब की पुस्तक है तो उस पुस्तक का नाम बता दीजिए। प्रकाश जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? इसमें राइटर कौन है ये बताइए। आप उसको बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आई एम सरप्राइज टू फाइंड स्वयं सेवक मूविंग इन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड विदाउट इवन केयरिंग टू नो द कास्ट ऑफ अदर्स। और महात्मा गांधी जी ने भी महाराष्ट्र संघ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, उन्होंने कहा है। आप बाबा साहब से कोट कर रहे हैं ये तो बता दीजिए, किस पुस्तक से कोट कर रहे हैं आप? कहाँ से कोट कर रहे हैं बाबा साहब को? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है बाबा साहब के बारे में, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा। अगर उनके 22 वॉल्यूम की पुस्तक है जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं, रेफरेंस मैंने लिखा है। दीपक जी आप कहाँ से कोट कर रहे हैं? पुस्तक और पेज नंबर मुझे बताइए। सुविधा के अनुसार ये साबित करने की कोशिश करना कि वो कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, ये कन्वीनियंटली उसको कोट करते हैं। संघ के खिलाफ थे और संघ के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। मैं इस सज्जन से कहना चाहूंगा कि आप मेरी बात सुनिए कि उनका संबंध जो है हिंदू महासभा से था। डॉक्टर मुंजे उनके अच्छे मित्र थे और हिंदू महासभा के कई लोगों के साथ उनकी मित्रता भी थी, लेकिन संघ के किसी भी आदमी के साथ उनकी ना मित्रता थी ना कभी वो संघ के ऑफिस में गए। आप जिसको कोट कर रहे हैं, लोगों को जानकारी होने के लिए वो लेखक कौन है बताइए और कौन से साल में वो किताब निकली है ये बता दीजिए। नरसिम्हा राव जी लेखक बता दीजिए और किताब का साल बता दीजिए। प्रकाश अम्बेडकर जी जो उनके पोते हैं उनका दावा है कि वो कभी आरएसएस के दफ्तर में नहीं गए, वो कभी आरएसएस की शाखा में नहीं गए और आरएसएस से जुड़ा उनका कोई मित्र नहीं था। नहीं देखिए, यदि आपको लगता है जो कोई विचारिक कहे वही आधिकारिक बयान है, मैं जो कोट कर रहा हूँ गलत है, इस प्रकार के निर्णय पर आप पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं। सर माफ कीजिएगा, मैं ऐसे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। उनका अलग अलग उनके महाराष्ट्र सरकार की ओर से, सुन लीजिए, मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर की जो कमेटी है उसका मैं एडिटोरियल बोर्ड का सदस्य हूं। हम लोग ने 22 वॉल्यूम्स निकाले हैं और 22 वॉल्यूम में कहीं भी, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड भी है बाबा साहब के ऊपर, जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके 3 वॉल्यूम्स है, उसमें कहीं भी बाबा साहब और आरएसएस के लोग मिले थे या बाबा साहब आरएसएस के ऑफिस में गए थे या आरएसएस को कोई प्रतिनिधि बाबा साहब को आके मिले, ऐसी कोई वार्ता नहीं है। उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आप कोट कर रहे हैं उनको। मुझे ये बता दीजिए किस पुस्तक को कोट कर रहे हैं, किस विचारक को कोट कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। वरना बाबा साहब ने अपनी किस पुस्तक में क्या लिखा हिंदुत्व के बारे में, मैं बताता हूं। दीपक जी, दीपक जी ये मेरा दायित्व है, मैं मेरे पास अभी वो जानकारी नहीं है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। यदि आपको ये ऑफिशियल कोई बयान नहीं लगता है आप ऐसा मत मानिए इसको, बट लेकिन ये सच्चाई है। पूछ रहा हूं सर, महात्मा गांधी भी मैं आपके बारे में, आपने भी कहा कि अनटचेबिलिटी, आप एक बहुत ही सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। आप मैं आपके बात नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आपको, मैं तो सिर्फ कोर्ट कहां से क्या ये पूछ रहा हूं। नहीं नहीं मैं ये जो गोबल्स नीति आप अपना रहे हो इसको छोड़ दीजिए। और मैं नहीं पूछ रहा हूँ, प्रकाश अम्बेडकर जी पूछ रहे हैं जो उनके पोते हैं, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, प्रकाश जी डाउट कर रहे हैं। गोबल्स नीति की तरह आप झूठे झूठे अब देखिए, मैंने पहले से ये कहा पूरी तरह से डाउट, मैंने अभी किताब है, ये नई निकली हुई किताब है। मैं इनसे कहूं का मैंने इसी चीज को, ये पात्रा जी इनके बीजेपी की जो स्पोक्समैन है उसको भी टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स नाउ के चैनल पर चैलेंज किया था और उन्होंने उस किताब का कहा था और ये भी उन्होंने एडमिट किया कि इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है।
और वो जिसने लिखा है वो आरएसएस का एक सदस्य है। ये क्या फैक्ट है नरसिम्हा राव जी? चलिए यदि यदि प्रकाश जी यदि आप आप यदि ऑफिशियल बायोग्राफर है बाबा साहेब का, आप जो कहते हैं वही सही है, तो मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूं इस विषय पर, बट लेकिन संघ भी इन्हीं मूल विचारों के लिए संघ ने भी लड़ा, जो बाबा साहेब ने बाबा साहेब ने जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ा, जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ा, संघ भी ऐसे ही विचार रखती है। ये आप नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है, बट लेकिन ये सच्चाई है। ये मैंने माना संघ भी ये विचार रखता है, और शायद इसीलिए आपने एक दलित की बेटी जिसको मायावती को आपने जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था तो ये बात कही थी। लेकिन मैं अर्जुन मोरवाड़िया जी और गौतम जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नरसिम्हा राव जी आपसे। प्रकाश जी आप सुनिएगा, 1936 में अंबेडकर जी ने अपने निबंध एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा था, ये उनका निबंध है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था और मैं उनको कोट कर रहा हूं, हिंदुओं को समझना चाहिए कि वो भारत के बीमार लोग हैं और ये भी कि उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए घातक है। दूसरा, जब उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तब उन्होंने कहा था कि मैं देवी देवता या किसी अवतार पर ना भरोसा करता हूं ना कभी भरोसा करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या बीजेपी और आरएसएस उनके इन दोनों बयानों का समर्थन करती है? दीपक जी, हिंदू हिंदू धर्म में कई सारे बदलाव आने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें जो कास्ट सिस्टम और जिस प्रकार की इनइक्वालिटी है वो खत्म होना चाहिए, ये बाबा साहेब के विचार थे। इसमें हम कहीं भी हमारे विरोध नहीं है, उस समय से लेकर आज तक हम इसकी पक्ष में हैं। इस सरकार ने भी, यदि पहली सरकार ने बाबा साहेब की एक्चुअल जो सोशल जस्टिस की जो यदि उस पर खड़े उतरा है, यदि गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही है, ये सरकार काम कर रही है, ये पहली सरकार है, तो इसलिए उनको देवता देवी को लेकर देखिए उनके क्या विचार थे, उससे मेरा मेरे मेरे कोई निजी टिप्पणी का कोई जाति के लेके धर्म जो है हमेशा निजी इलेक्शन में आरएसएस के बाबा साहब करता है, वो एक हाथ में नील लेते हैं और एक हाथ में गुलाल लेते हैं और ये कहते हैं कि आपको नील चाहिए या गुलाल चाहिए, ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं का प्रचार है। क्या इसको भी आप ना कहोगे? कहाँ से सुनकर आते हैं, हम तो देश भर में कैंपेन करते हैं, हम देश भर में कैंपेन करते प्रचार के अंदर आ रहे राजनीतिक पार्टी है, नील लेते हैं भारतीय जनता पार्टी लेते हैं और कहते हैं कि आपको गुलाल चाहिए या नील चाहिए, तय कर लीजिए। ये प्रकाश अंबेडकर जी अपनी आप बीती बता रहे हैं, ये प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है नरसिम्हा राव जी? अब देखिए प्रकाश जी का क्या अनुभव है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पहली बार इस देश में एक गरीब परिवार से, एक पिछड़े परिवार से एक प्रधानमंत्री बना है, और उस प्रधानमंत्री को पता है ये इतिहास अंबेडकर जी का, बाबा साहेब जी का इस देश के लिए क्या, उनके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हम सबको पता है, मैं माफ कीजिएगा बड़ी देर से अर्जुन मोरवाड़िया जी को जोड़ूंगा। अर्जुन मोरवाड़िया जी, चूंकि बहस आपने देखा दो लोगों के बीच कितनी तीखी हो गई थी इसीलिए मैं आपको जोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अंबेडकर साहब किसी के धुर विरोधी थे जिसको उन्होंने चैलेंज किया, मैंने माना कि नेहरू जी ने उनको अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया, लेकिन वैचारिक तौर पर जिन लोगों के धुर विरोधी थे बाबा साहब वो कांग्रेस थी, और अब कांग्रेस क्यों वो कहती है, कांग्रेस ने कभी इस लायक नहीं समझा बाबा साहब को कि भारत रत्न दे दे, अब रोहित वेमुला के नाम पे वही राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं कि देखिए एक अंबेडकरवादी को मार दिया। देखो दीपक, देश की जनता और आप सब जानते हैं और हिस्ट्री भी जानते हैं कि जो 1947 में अगर कोई अकेली पार्टी थी सारे देश में तो वो कांग्रेस पार्टी थी, वो चाहे किसी को भी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बना सकती थी, विद्वान भी अवेलेबल थे, लेकिन अगर सोशल जस्टिस के आधार पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना पाते उस समय तो वो एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उनको ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन बनाया, निमंत्रित किया गया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बना हुआ है जिसके आधार पर हम चलते हैं
वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी और वो कांग्रेस पार्टी का आभार भी व्यक्त किया था। नंबर वन। नंबर टू, जो विचारधारा की आज बात हो रही है, मैं सुन रहा था सबको, कहीं बाबा साहब के नाम में आरएसएस का नाम की तारीफ की बात हो रही है, कहीं कहीं महात्मा गांधी जिनका खून जिस विचारधारा ने किया वो आरएसएस के कैंप में गए थे वो बात हो रही है। तो मैं ये बीच में आप बताना चाहता हूं कि आपने दो, दीपक आपने दो बात कही कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त दो पंक्तियां जो आपने पढ़ाई में रिपीट करना नहीं चाहता, वो 22 प्लीज 22 प्रतिज्ञा है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दी थी वो 22 प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है और बाकी 20 प्रतिज्ञा और भी है। ये 22 प्रतिज्ञा वाली एक बुक गुजरात सरकार ने 6 महीने पहले पब्लिश की, 150 कॉपी उसकी छपवाई गई, 40,000 के से ज्यादा वो स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बाद में आरएसएस को मालूम हुआ, बीजेपी को मालूम हुआ कि कहीं किसी लोगों ने 22 प्रतिज्ञा है उसकी जो बाबा साहब की है वो प्रतिज्ञा उसमें आ गई है, उन्होंने ये पूरी बुक विड्रॉ कर ली और 1.5 लाख जो प्रति जो कॉपी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये विचारधारा है बीजेपी की, ये विचारधारा है आरएसएस की। और वर्शिपिंग ऑफ फेल्स गॉड जो अरुण सूरे ने लिखी है वो बीजेपी के मंत्री थे, सांसद थे तब उन्होंने लिखी, वो आरएसएस का मेंबर है, आज तक किसी ने डिसोन नहीं किया, उसको डिसोन नहीं किया। लेकिन बाबा साहब की जो बुक थी यहां प्रतिबंध कर दी गई, यहां गुजरात में गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगवाया। तो ये कौन सी विचारधारा है? बाबा साहब का स्टेच्यू बीजेपी जरूर लगाएगा क्योंकि उसको दलितों का वोट चाहिए, सुभाष चंद्र बोस का वहां वोट चाहिए तो वहां जरूर लगेंगे, लेकिन कहां सुभाष चंद्र बोस, कहां बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी और बीजेपी आरएसएस, उनकी विचारधारा कहीं नहीं मिलती। ठीक है, मैंने मानी आपकी बात, इतने ये जो विचारधारा थी मैंने मानी आपकी बात। अर्जुन जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिलहाल मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी से इस बातचीत की शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे रेणु जी से, चंद्रभान प्रसाद जी से, कि इन्होंने बाबा को सिर्फ दलितों का आइकॉन बनाकर एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़े अर्थ, तो हम बात कर रहे हैं कि बाबा साहेब की विरासत पर, कौन है उनकी विरासत का असली हकदार। सभी लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो ही बाबा साहब के असली फॉलोअर हैं, लेकिन क्या वाकई में जैसा प्रकाश आंबेडकर जी का कहना है कि उनके असली फॉलोअर देश की जनता है, असली फॉलोअर वो लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं। बहस की फिर से शुरुआत करते हैं। चंद्रभान प्रसाद जी, बाबा साहब एक टॉप के लॉयर थे, टॉप मोस्ट कानूनविद थे, उनसे ज्यादा अर्थशास्त्र का बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन सिर्फ उनको एक दलित नेता के ब्रैकेट में हमारे पॉलिटिशियंस ने जो फंसा दिया है, आपको नहीं लगता उसके लिए आप जैसे, रेणु जी जैसे वो चिंतक जिम्मेदार है जिन्होंने उस धारा को, उस चिंता को सिर्फ दलित चिंतन तक जोड़ दिया? देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसके बाद दो चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, तो ऐसा भारतीय समाज है। आज मैंने कहीं अखबार में लिखा है कि जो डिजाइन बाबा साहब ने अपने 1952 के पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने मैनिफेस्टो में भारत के लिए लिखी थी, तो आपको लगेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का दलितों से कोई लेना लेना देना ही नहीं है। उन्होंने लिखा कि भारत में छोटी होल्डिंग्स को हटाकर बड़े बड़े फार्म्स में खेती की जाएगी, खेती का कंप्लीट मैकेनाइजेशन किया जाएगा, नए बीज लाए जाएंगे, नसबंदी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको कंट्रोल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा बहुत बड़ी समस्या है और इसको कंट्रोल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा भारत की भलाई के लिए किस तरह की कृषि व्यवस्था, किस तरह की अर्थव्यवस्था है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कैसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। और उन्होंने कहा कि चाइना जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिसका परमानेंट मेंबरशिप वीटो पावर छीन लिया गया है उसके लिए इंडिया जो लड़ रहा है, इंडिया अपने लिए लड़े, अभी पिछले वीक देखिए चाइना ने वीटो कर दिया, और उन्होंने कहा अमेरिका का साथ दे इंडिया, अमेरिका के साथ जाए इंडिया, टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैपिटल मिलेगा। तो अम्बेडकर तो इंडिया को एक अमेरिका, एक ब्रिटेन जैसा देश बनाना चाहते थे, और भारत में अकेले एक फिलासफर थे जो ये बातें कह रहे थे, बाकी सारे लोग समाजवाद और
कम्युनिज्म की बातें कर रहे थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे चिंतकों ने कहीं अंबेडकर जी को सिर्फ एक दलित नेता या दलित चिंतक के रूप में ब्रैकेट में करके उनकी महान शख्सियत, जितने बड़े डिप्लोमेट वो थे, जितने बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार थे, जितने बड़ी आर्थिक नीतियों के जानकार थे, जितने बड़े सोशल रिफॉर्म्स के जानकार थे, जितने बड़े एग्रीकल्चर के जानकार थे, उनको ब्रैकेट में तो नहीं कर दिया आपने? उनकी लेगेसी को सिमटा तो नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी के हाथी तक? आप जैसे रेणु जी पे आरोप लगा रहे हो, मैं माफ कीजिए दीपक जी, सही बात तो ये है कि हम दलित राइटर्स ने बाबा साहब को दलितों के मसीहा के रूप में ही पेश किया, ये हमारी कमी है। पर जो अंबेडकर को, जो पढ़े लिखे लोग थे, अंबेडकर की तो सारी रचनाएं इंग्लिश में थी, कौन दलित इंग्लिश जानता था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ये कहना किया था कि अंबेडकर ने भारत के लिए जितना लिखा वह दलितों के लिए जितना लिखा उससे भी ज्यादा है। पर हम अपनी भी कमी हम मानते हैं, मानते हैं बिल्कुल। रेणु आप अपनी कमी मानती है? देखिए दीपक जी, इसमें कमी दलित चिंतकों की नहीं बल्कि सरकारों की है, जिन्होंने जो इतने लंबे समय से पाठ्यक्रम जो स्कूल्स में कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा था, उस पाठ्यक्रम में पूरा जो फोकस था वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी को पूरा लाइमलाइट में, हाईलाइट में कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि अम्बेडकर जी एक बड़े अर्थशास्त्री थे, समाज के हर वर्ग के सुधार के लिए उन्होंने अपने विचार रखे, अम्बेडकर जी का ये पक्ष एक आम जनता तक, आम नागरिकों तक पहुंचाया ही नहीं गया। एक सिलेबस का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया इस सरकार ने, मेनली कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि पिछले 60 सालों से जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स कॉलेज में उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ही तैयार करवा रही है, और उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके का पाठ्यक्रम बनाया। पूछते हैं क्या आपको नहीं लगता अर्जुन जी के अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए एक सर्व समाज के नेता को आपने एक दलित नेता के रूप में स्थापित कर दिया पिछले 60 साल के अंदर? देखो, दलित नेता के रूप में स्थापित किया होता तो बाबा साहब पहले कायदा मंत्री नहीं बनते, वो एक्सपर्ट थे लॉ के, उसको हमने लॉ मिनिस्टर भी बनाए कांग्रेस पार्टी ने, और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन भी बने। देखो बाबा साहब थे, उनका कमिटमेंट हमेशा जो डिप्राइव्ड क्लास है उनके साथ रहा, तो कभी कभी मतभेद भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब जिसके लिए लड़ते थे वो जो अनटचेबिलिटी है, सोशल जस्टिस है, कांग्रेस अपनी स्थापना काल से लड़ती रही और बाबा साहब के साथ कंधे कंधा मिला के आगे बढ़ती रही, उसमें सम्मत नहीं हुई। दूसरी बात, बाबा साहब आज सबसे ज्यादा, महात्मा गांधी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई पढ़ते हैं तो बाबा साहब को पढ़ते हैं, ये मैं सहमत नहीं हूं कि बाबा साहब का साहित्य आज कहीं देश में अवेलेबल नहीं है, आप पहुंचा नहीं है, वो पहुंचा जरूर, लेकिन मैंने बताया कि ऐसी सरकार भी है कि जो बाबा साहब का जो साहित्य है उनका उन पर प्रतिबंधित करते हैं। आप पर आरोप है, आप पर आरोप है, ये भी अर्जुन जी गुजरात से आते हैं, अर्जुन जी गुजरात से आते हैं, वो कह रहे हैं आपने 22 वचन लिखवाए, लेकिन जब मालूम पड़ा आखिरी वचन जिसके बारे में कहा कि वो हिंदू समाज की स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को नहीं मानते हैं, जब आपके बड़े लोगों को मालूम पड़ा तो आपने उस पुस्तक को विड्रॉ कर दिया, क्या हकीकत है इसकी? नहीं नहीं, अर्जुन मोढवालिया जी और कांग्रेस पार्टी गुजरात से बाहर निकल नहीं पाते हैं, आज जवाब देने का समय कांग्रेस पार्टी का है, जो महान जो व्यक्ति, नहीं आप जवाब दीजिए, ये प्रतिबंधित किया तो है कि नहीं, उसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं, मैंने बड़े विषय पर बात करें, बड़े विषय आप छोटे विषयों में इसी तरह आप उलझे रहना चाहते हैं। आपको प्रश्न उठा रहा हूं, बाबा साहब को मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा देना पड़ा, आपने उनको सरकार से क्यों हटा दिया, आपने उनको दो बार जब चुनाव लड़े, आप चुनाव जब लड़े, आप बताता हूँ, आप दीजिए मत दीजिए, आपकी इच्छा है, चुनाव समय लड़े आप उनके खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कैंपेन करके उनको हटाने के लिए एक उन्होंने हिंदू कोर्ट बाबा साहेब को जू रिकॉग्निशन है वो मिलने से रोक दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए नेहरू, इंदिरा के अलावा
अरे हमने तो दिलवाया तभी तो प्राप्ति कमेटी का चेयरमैन बने। आपकी आप किसी और का किसी और की तस्वीर में मौजूद है उसकी विचारधारा। मैं दोनों को रोकूंगा, आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, माफ कीजिएगा नरसिम्हा राव साहब, अर्जुन जी आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आप दोनों से रेणु कीजिए एक सवाल पूछना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, बारी बारी से संक्षेप में जवाब दीजिएगा रेणु। अर्जुन जी मेरा प्रश्न आपसे है कि बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पुरजोर पक्ष में थे और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि मुस्लिम जो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करते आ रहे वो ना होकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसको आज तक आपने कांग्रेस सरकार ने उसको क्यों नहीं पास होने दिया, क्योंकि मुस्लिम आपका जो एक बड़ा वोट बैंक है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं पास होने दिया? और नरसिम्हा राव जी आपसे सप्लीमेंट्री सवाल, क्या ये सरकार बाबा साहब के सपनों को या उनके अरमानों को पूरा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करवाएगी? दोनों से, आप दोनों से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। दीपक अर्जुन जी पहले दीपक मैं जवाब देता हूं। हाँ, कोई एक सिविल कोड, एक धर्म का सिविल कोड ये कहीं कोई पास करवा नहीं सकते। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि उनका जो सिविल कोड है, उनका खुद का, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने नकार दिया था, जो वर्ण व्यवस्था को नकार दी थी, जो महिलाओं को जो हक नहीं देते थे, ऐसा जो कोड था उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम स्वीकार करते हैं मॉडर्न सिविल कोड, और उसमें सबकी सम्मति लेकर हो सकते हैं, लेकिन जो थोपना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस, वो बाबा साहब भी कभी स्वीकृत नहीं करेंगे, हमारे जो शोषित समाज है वो भी कभी स्वीकृत नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर उसके दिशा में सबको साथ में रखकर हम जरूर ये दिशा में जाएंगे, लेकिन जो थोपना चाहते हैं आज, उस पर राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति करके वोट बटोरना चाहते हैं, उससे हमें बिल्कुल सम्मत नहीं है, उनके ये चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहब जब पास कराना चाहते थे तब तो आरएसएस बीजेपी जी रही ना, हो सकता है अर्जुन जी, बाबा साहब जब पास कराना चाहते थे 1956 से पहले तब तो बीजेपी और जनसंघ था नहीं ना, नेहरू जी उसके पक्ष में थे। आप हिस्ट्री जानते हैं दीपक जी आप हिस्ट्री जानते हैं, नेहरू जी बाबा साहब के पक्ष में थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कोई लोग थे उसमें, ये मिनिस्ट्री में उन्होंने भी अपोज किया, और जवाहरलाल जी जब विदेश में थे तब ये बिल है वो लोकसभा में वो पारित नहीं होने दिया, पेश नहीं होने दिया, उस समय नहीं पेश हो पाया, इसकी वजह से बाबा साहब ने वो रिजिग्नेशन दे दिया, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इतिहास को अपने अपने इच्छा के अनुसार और अपने कन्वीनियंस के मुताबिक इसको हिस्ट्री को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करना चाहती है। इस देश के जनता और इस देश के प्रजा आज इस प्रकार की इतिहास को, जो कांग्रेस पार्टी केवल वो नेहरू, इंदिरा और राजीव तक सीमित बांध कर रखी है, ये संभव नहीं है। जनता अभी बाबा साहेब के बारे में जो हमारी सरकार अभी अगले 10 दिन जो कार्यक्रम देश भर में चला रहे हैं, जिसके तहत एक अवेयरनेस भी पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के जितने भी महानुभाव थे वो किस पार्टी से जुड़े थे उस समय, उसके उनके विचार क्या थे, मेरे विचार से वो भी महत्व नहीं है। हर महापुरुष के लिए और उनकी समुचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए, उसके लिए आज की सरकार, हर सरकार को काम करना चाहिए, उसमें सभी पार्टियों को सराहना करनी चाहिए, न कि केवल जवाहरलाल नेहरू का सराहना हो, बाकी सबको हम इग्नोर करें। इस प्रकार की जो बहुत ही नैरो सोच है कांग्रेस पार्टी की, ये सोच से कांग्रेस पार्टी को बाहर आनी चाहिए, और एक साजिश के तहत जिस प्रकार सबके इतिहास को खत्म करने की जो एक साजिश चलाया है, उससे देश अभी बाहर निकल रहा है। जनता को हर महापुरुष के बारे में जानने का अधिकार है और जानने की जरूरत भी है, क्योंकि ये सब प्रकाश अम्बेडकर, ठीक है नरसिम्हा राव जी आपने अपना पॉइंट रखा, प्रकाश अम्बेडकर जी यहाँ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, आज के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो हिंदू कोड भी एक तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफ, दोनों के पर्सपेक्टिव को अगर एनालाइज किया जाए तो आपके हिसाब से बाबा साहब की राजनीति में आज कांग्रेस और बीजेपी कहां खड़े हैं? दोनों भी बाबा साहब की राजनीति से कोसों दूर है, क्योंकि बाबा साहब ने यह कहा था, राज्यसभा में खुद कहा था कि अगर सरकार चाहती है कि कॉमन सिविल कोड ड्राफ्ट करना है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं और उसको ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हूं।
बाबा साहब ने यह कहा था कि जिन लोगों को धर्म की राजनीति नहीं चाहिए और जिनको एक इंडियन सोसाइटी के माध्यम से रहना है, वो अपनी परिप्रेक्ष्य में ये कहे कि मुझे कॉमन सिविल। अफसोस, कुछ तकनीकी खराबी है। प्रकाश अंबेडकर जी, आपको क्या लगता है आज जो 125वीं जयंती पर हर आदमी, खुद प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में अपने एक भाषण में कहा था कि मैं तो अंबेडकरवादी हूं, मैं उनका असली शिष्य हूं, या असली शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया था, मैं उनका शिष्य हूं उन्होंने कहा था, आपको लगता है कि आज के वक्त में वाकई बाबा साहब ज्यादा प्रासंगिक हो गए, या वो सिर्फ 18 या 20% का जो वोट बैंक है उस पे नजर है, ये प्रासंगिकता का असर है, या एक डेडिकेटेड वोट बैंक का जो जाकर वोट करता है, एक साथ वोट करता है? रेडो शायद प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, ये सवाल आपसे। देखिए, जहां तक मुझे लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं हर पार्टी पर रहता है पॉलिटिकल गेन का, लेकिन क्योंकि वो खुद एक कहीं ना कहीं दलित या पिछड़े समाज से आते हैं, तो वो उस समाज की पीड़ा या उस समाज का दर्द बेहतर समझ सकते हैं, और इसलिए ऐसे में उनका अंबेडकर जी का फॉलोअर होना बहुत लाजमी सी बात है। अर्जुन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने महू में कहा कि एक बर्तन मांजने वाली का बेटा पीएम बन गया, वाकई अपने आप में कमांडेबल है, और वाकई उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बाबा साहब के कारण हुआ है। पहली बात तो ये पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि नहीं है, वो तेली बनिया है, और उसके मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरा मैं जवाब दूंगा आपको। मोदी जी गुजरात में थे, तब उन्होंने एक अपना जो अपना भाषण दिया हुआ था, उनकी एक बुक छपवाई थी, वो बुक में उन्होंने कहा था कि भाई यहां जो वाल्मीकि लोग हैं, वाल्मीकि भाई बहन हैं हमारे, जो हमारी टॉयलेट साफ करते हैं, वो टॉयलेट साफ करने में उनको आध्यात्मिक अनुभव होता है, इसलिए तो सालों से वही अपना पैसा जी, जी, प्लीज ये बहुत बहुत ये कहा था। दूसरी दफा उन्होंने एक जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले डिफेंड करने को बचे नहीं, अनफॉर्चुनेटली जीवीएल नरसिंह राव साहब को जाना पड़ा, बड़ा भाषण, उनको एक तरफा एलिगेशन हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत व्यक्तिगत और एक तरफा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया भी नहीं, 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 मैं आपको भाषण सुना दूंगा, आपको सुना दूंगा। वो भाषण में उन्होंने कहा था कि जो दलित बच्चे हमारे घर में भी, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रहते हैं, ऐसी तरह समाज में भी है, दलित भाई बहनों को हमें मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैंने ये पूरा वर्बेटम जो बोला है वही आपके सामने रखा है। चलिए, ये बात इसलिए, तो अगर उसके सोच होती तो दलित भाई बहनों को वो अपने भाई बहन समझते, उनकी जगह उन पर वो दया भाव दिखाते हैं, राइट उनका देने के लिए न भारतीय जनता पार्टी तैयार है, न कभी आरएसएस तैयार है, वो उनको फोर्थ ग्रेड के सिटीजन मानते हैं। इससे इसकी वजह से आज वो दलितों या गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी डाइजेस्ट नहीं करती। चलिए, राजेंद्र गौतम जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी। अफसोस राजेंद्र जी, मैं आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, क्योंकि पहला चंक तो मेरा बिल्कुल पावर पैक्ड हो गया था, और दूसरे चंक में मेरे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, और अभी अभी शायद आप निकल भी गए थे किसी कारण से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस तो एक बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या सिर्फ झाड़ू सिंबल के चलते दलितों का खैरख्वाह मान लिया जाए? क्योंकि पंजाब के दलित वोट बैंक पे नजर आए, दिल्ली का दलित वोट आपको मिला, दोनों चीजें हैं, मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। आपका जो काम है, आज तक आपने दलितों के लिए क्या काम किया, इस पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको काम करते हुए काफी कम वक्त हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ सिंबल के चलते, या फिर ऐसी आपकी कोई आइडियोलॉजी भी है? क्योंकि ऐसी आइडियोलॉजी रोहित वेमुला जैसी को ट्वीट के लिए, पॉलिटिकल गेम के लिए इस्तेमाल करने का अलग बात होती है, लेकिन वहीं आप कन्हैया के साथ भी खड़े होते हैं, जो उस सीपीआई पार्टी से निकल कर आते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ पहला इलेक्शन लड़ी थी, जिसके कारण बाबा साहब हारे थे। दीपक जी, जहां तक बात सिंबल की है, तो सिंबल कोई बात नहीं है, असली बात आइडियोलॉजी है, और हम बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को मानते हैं, स्वीकार करते हैं,
उसको स्वीकार करते ही हमने अपनी जो पॉलिसीज बनाई है, हमने जो अपना बजट बनाया है, चाहे पिछला बजट देख लीजिए चाहे इस बार का बजट देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि हम हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटीज दे रहे हैं। और दलितों को अगर भला करना है तो हमें एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार करने की जरूरत है। नो डिटेंशन पॉलिसी लागू जो लागू की गई थी कांग्रेस के टाइम पे, उसको भी खत्म करने की जरूरत है। और दोहरी शिक्षा प्रणाली जिस तरह की चल रही है उसको रोकना होगा। और बड़े बड़े जो स्कूल बने हुए पब्लिक स्कूल, उनके जबरदस्ती दादागिरी पे भी रोक लगानी होगी, जिसको लगाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल राजेंद्र जी, और आखिरी सवाल भी मेरा शो का होगा, फिर आपके मुझे लग रहा है कि वीडियो सिग्नल्स के अंदर दिक्कत आ रही है। एक बड़ा संक्षेप में सवाल, क्या आपको क्या आप जी भी, आपका जो सिंबल का सिलेक्शन था, आपने जो अपनी पॉलिसीज बनाई उसमें भी दलित वोट बैंक एक बड़ा अहम स्थान था? मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, सिंबल दलित वोट बैंक को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, बल्कि सफाई को ध्यान में रख के बनाया गया था कि जिस तरह की करप्ट पॉलिटिक्स भारत में चल रही है, उस करप्ट पॉलिटिक्स को सफाई करने के लिए समय की जरूरत है, समय की मांग है। और उसमें हमें लगा कि झाड़ू एक अच्छा चिन्ह है जो गंदगी को साफ करता है, तो इस राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए, जिस तरह की राजनीति पहले चल रही थी उसको साफ करने के लिए हमें लगा कि ये एक अच्छा सिंबल है, इसलिए हमने उसको चुना, ना कि किसी प्रकार की वोट बैंक की राजनीति के चलते। चलिए, आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, इस बहस में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक हकीकत है कि बाबा साहब के नाम, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी धारणा, उनकी सोच, उनकी पॉलिसी, इनकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन असली उनको श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनकी बातों को समाज के आखिरी तबके तक पहुंचा सके और समाज के आखिरी तबके को बराबरी पर खड़ा कर सके। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार